स्वास्थ्य एवं निरोग जीवन जीने के लिए स्थानीय विलुप्त होते उत्पादों का क्या महत्व है, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से बाल विकास परियोजना रामपुर द्वारा गौरावृत्त में पोषाहार दिवस मनाया गया। स्वस्थ एवं निरोगी जीवन जीने के लिए स्थानीय विलुप्त होते उत्पादों का क्या महत्व है, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से बाल विकास परियोजना रामपुर द्वारा गौरावृत्त में पोषाहार दिवस मनाया गया। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं को एकत्रित कर उन्हें पारंपरिक उत्पादों से कौन कौन से पकवान बनाए जा सकते हैं और इनमें कितनी पौष्टिकता होती है विस्तार से बताया गया। ग्रामीण महिलाओं को बताया कि सदियों से पारंपरिक फसलें उगाई जाती हैं, इन फसलों में सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन लोगों ने समय के साथ साथ इन्हें उगाना छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि स्वस्थ व निरोग्य और लंबी आयु जीने के लिए जरूरी है कि हम बिना रसायनों के प्रयोग से तैयार फसलों का ही प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि बाजार में आज जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं उनमें वे रसायनों की छिड़काव से तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा जो जंक फूड आधुनिकता की दौर में खाया जा रहा है वह भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बाल विकास परियोजना अधिकारी अजय बर्देल ने बताया कि देश प्रदेश में कुपोषण का स्तर बढ़ रहा है और देखते ही देखते हमारे पारंपरिक अनाज से बने पकवानों को महत्व दें। पहले 1000 दिन ये सबसे जरूरी है। अगर आपने बच्चे के पहले 1000 दिन में बच्चे का पोषण का स्तर बढ़ा के रखा तो बच्चे को जिंदगी में 99% कोई बीमारी नहीं लगेगी। पहले 1000 दिन गर्भावस्था के 9 महीने और उसके बाद जन्म से 2 साल तक की। उसे देखते हुए हमारी पारंपरिक अनाज से बने पकवानों को ही महत्व दे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 26% बच्चों का ग्रोथ आयु के हिसाब से नहीं हो रहा है। ये दर पूरे भारतवर्ष में 38% है, जबकि शिमला जिला में ये दर 20% है। उन्होंने बताया कि बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में लौह तत्व की आवश्यकता रहती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 54% महिलाएं एनीमिक हैं। यही आंकड़ा शिमला जिले में 59% है, जबकि शिमला जिले में फलों की काफी पैदावार होती है। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर ज्वाला देवी ने बताया कि हमारा पुराना अनाज जैसे ओगला, कोदा, फाकरा जो आदि को अब लोग बोल चुके हैं और बाजारों की चीजों पर और बाजारों की चीजों पर ज्यादा महत्व दे रहे हैं जिनमें केमिकल अधिक होता है। आज हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्रामीण महिलाओं ने स्थानीय उत्पादों को बनाकर प्रदर्शित किया था और लोगों को इसके सेवन से मिलने वाली पौष्टिकता के बारे में भी बताया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मीरा ने बताया कि हमारे धारा घोरा पंचायत में पोषण माह के तहत लोगों को जागरूक किया गया और जो हमारे खेतों में स्थानीय अनाज होता है उससे जो पकवान बनाए जाते हैं वे बनाए गए। आज पोषण माह के दौरान यहाँ पे जो हमारे लोकल अनाज होते हैं उनसे उनके द्वारा बनाई गई चीजें लोगों को खाई और खिलाई और ये भी बताया इसमें इससे क्या इसमें क्या क्या गुणवत्ता। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।